ये इस तरीके से आपका पूरा डोर आएगा, ये डबल डोर है, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले ना इससे थोड़ा आराम तरीके से, देखिए इस तरीके से गैप है ना, तो इस तरीके से इसको आप फाड़ लेना किसी भी चीज़ से, आराम से करोगे तो स्क्रैच नहीं आएगा। ये इस तरीके से पूरा रैप खोल के, दूसरा भी प्लास्टिक होगा इसमें, ये हैंडल होगा दो, ये बाद में लगाना, आप ऐसे रख देना ऐसे। अब सबसे पहले आप क्या करना मालूम है, ये देखो ये बड़ा वाला जो है ना, ये यहाँ दिख रहा है, ये हाइट है इसके अंदर, जिसके अंदर कंपोनेंट लगा हुआ है वो हाइट है, ये आपका विड्थ है। तो ये दोनों को ना पहले हाँ साइड में निकाल लेना, इसे रख लेना, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये मेस को पहले हाथ में ही लगाना आप, ये इसको आप इस तरीके से रख लेना साइड में, लाओ अभी इसको नीचे लगा दो। हाँ ये आपका विड्थ, ये एक सेक्शन में पहले इस तरीके से दोनों आप लगा लेना ऐसे, ये देखिए ठीक है सेम। फिर दूसरी हाइट जो है वो इधर लगा लेना आप, स्क्रू लगाने के पहले आप ये कंपोनेंट को ना बरोबर चारों तरफ चेक कर लेना। देखिए इस तरीके से चेक कर लेना, अब ये क्या हो जाएगा, इसको घुमा लेंगे हम, हाँ ऊपर चले जाएगा। हाँ ये आपका दरवाज़ा, ये फ्रेम ऐसा आपके चौखट का जो मेज़रमेंट है उसमें लग जाएगा ये। और देख लीजिए चारों कोने में ना स्क्रू लगाने की जगह, मैं स्क्रू भी भेजूंगा आपको, मैं बता देता हूँ ठीक है। देख लो शायद इस तरीके से स्क्रू आए, तो देखो ये स्क्रू एक कोने में एक लगेगी पूरी पूरी, और इसी तरीके से चारों कोने में लगेगी। तो आप ध्यान देना चार कोने में चार स्क्रू, स्क्रू और बीट एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ, बरोबर इक्वली मेज़रमेंट कर लेना आप। और मेज़रमेंट में जहाँ आप बरोबर डिवाइड आ रहा है, ये दोनों को डिवाइड करके मिडल में एक स्क्रू आप और लगा लेना दोनों तरफ स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अब ये फ्रेम इधर लगा दो इसको ज़रा ऐसे, हाँ ये अब ये आपका नेट होगा, देखिए इस तरीके से ना पूरा नेट होगा, पकड़ लो मैं हाँ। अब ये इस तरीके से पूरा मैट्स आएगा, ये जो मैग्नेट मैग्नेट इस तरफ है ना, ये मैग्नेट मैग्नेट एक दूसरे पे लगेगा। ये देखिए अब मैं बता देता हूँ, ये नेट इसके अंदर है, मैं इस निकाल दो पहला, ये देखो यहाँ पर है ना साइड में, हाँ पूरे थ्रेड अच्छे से निकाल लेना आप, हाँ पूरे निकाल दो। हाँ निकल जाएगा वैसा, लो अब एक नीचे वाला आप पकड़ लो, हाँ निकाल लो उसको बाहर ले लो पूरा, हाँ हाँ ठीक है। ये इस तरीके से देख लीजिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, जो मैग्नेट मैग्नेट रहेगा वो बीच में आएगा ठीक है। दूसरी तरफ ये खाँचे वाला जो ये है, यहाँ पे देखिए एक क्लिप है आपके पास, जब पहुँचेगा ना यहाँ पे ऐसे तीन क्लिप लगे हुए हैं वो, तो ये आप निकाल के इसे इस तरीके से उठा लो, मैं उस तरफ जाओ, हाँ हटा लो प्लास्टिक ज़रा। हाँ अब आप क्या करोगे, एक चीज़ का ध्यान देना, ये रहने दो उसको ऐसे रहने दो, ये जो थ्रेड है ना आगे, ये जो धागे आपको दिख रहे होंगे शायद ऐसे, ये धागों को ना आगे कर लेना इस तरीके से ठीक है। आगे करने के बाद में पहले एक तरफ का फ्रेम इस रैक के अंदर डाल के फिर ऊपर वाला जो थ्रेड है उसे आगे कर लेना, ये पकड़ लो जरा एक मिनट में दिखा देता हूँ, फ्रेम छोड़ दो, हाँ ये आपने आगे कर लिया, नीचे वाला मैंने उस तरफ धागा करके डाल दिया है, और ये देख लीजिए ये भी पूरे थ्रेड को हम पकड़ के ऐसा एकदम इक्वली बीच में यहाँ पर ना बैरिंग है, बैरिंग के ऊपर रख के फिर हम ये फ्रेम के अंदर देखिए ये ऐसा लेके आके खाँचे में इस डोर को डाल देंगे पूरा। यहाँ क्लिप है मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी क्योंकि ज़रूरत नहीं, फ्रेम इंडिविजुअल नहीं है, अलग अलग है ना,
क्योंकि ये चौखट पे नहीं लगा है, तो आप इसे दबा देना यहाँ पे। मैं एक दबा के भी दिखाता हूँ, देखो जब आप इसको रख के दबाओगे ना ऐसा आवाज़ आएगी, ये क्लिप दब गई आपकी, ठीक है। फिर जब आपको निकालना है तो इस तरीके से आप इसे पकड़ के निकाल सकते हो। तो ये इस तरफ का हो गया, सेम वो वाला भी आपको उस तरफ वैसे लगा लेना। मैं आप इस तरफ आ जाओ, हाँ। अब ये आपको करना है, हाँ, ये धागा जो है ये आपको इस तरफ आगे कर लेना है, ठीक है, और इसके अंदर डाल देना है। सेम अभी अब क्या करना है, ये ऊपर वाले का भी धागा जो है ये आपको ऐसे आगे कर लेना है और ये ऐसे इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए ये दोनों आ गया। यहाँ पर इसको क्लिप को दबा देना, देखो अभी हम दबाएंगे तो दब जाएगा वो, मैं दबा नहीं रहा हूँ इसको। उसके बाद में मैं फ्रेम पकड़ लो और ये पीछे वाला सेक्शन पकड़ लो। ये देखिए ये आपका डोर इस तरीके से मैग्नेट पर लग जाएगा आके, पकड़ लो ज़रा। जब क्लिप दबा दोगे पीछे की, देखो मैंने दबाई नहीं है, ये मैं दबाऊँगा अगर तो ये लग जाएगी। तो फ्रेम पहला डोर पे लगा लेना और फिर इसे इस तरीके से क्लिप दबा देना और ये डोर आपका रेडी हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न आएगी तो आप वीडियो कॉल करना, मैं उसके बाद भी बता दूंगा। सारे हार्डवेयर भी इसके साथ भेज रहा हूँ मैं, निकाल दो, देखो मैग्नेट है, स्ट्रेंथ जोर से खींचो, हाँ हाँ, ये वापस इस जगह पर आ जाएगा। ये दोनों सेक्शन हमने निकाल लिया, हाँ, ये फ्रेम हमने इंडिविजुअल छोड़ दिया वापस। फिर हम इसे अभी पैक कर देंगे, ठीक है, हाँ, ला दो पूरा पूरा ला लो, हाँ। अब ये दोनों जो धागे हैं इसके, दोनों को एक के ऊपर एक रख के मैं ऐसा, ये देखिए, ठीक है, आप समझ गए, ये मैं वापस से वैसे ही पैकिंग कर दूँगा आपके पास, रख दीजिए, हाँ, साइड में रख दो बस, ठीक है, हाँ। अब ये फ्रेम भी निकाल दो, ये देखिए ये फ्रेम निकाल दी हमने, मार दो नीचे से, हाँ, ऊपर से पकड़ लो आप, रुक जाओ, संभालो, ये पूरे वापस से पार्ट्स अलग हो गए, ये भी हो गया, ये चौखट वापस जैसा पैकिंग था वैसे पैकिंग। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर। अगर आया तो मैं हूँ टूल्स भेज रहा हूँ आपको, एक टूल भेज रहा हूँ जो 2.3 की है, तो ये सारी चीज़ें अब तक आ जाएगी, ठीक है, चलिए।